हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश रैनबो क्लास 12 चैप्टर 4 मिडिल इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी, मिडिल इंग्लिश ग्रामर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश ये चैप्टर 4 है। द ईयर एडी 1066 इज जनरली टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बट मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी फॉर द रीजन स्टेटेड अर्लियर। यानी ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है वो 1066 एडी में यह अंत हो जाता है जब नॉर्मन्स इंग्लैंड को इन्वेडेड करते हैं। लेकिन मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है वह पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में जो है करीबन एक सेंचुरी के बाद, यानी 100 साल के बाद आता है। और इसका जो कारण है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है पिछले चैप्टर में, दैट मीन्स रीजन स्टेटेड अर्लियर। और वह रीजन ये था कि यह लैंग्वेज जो था पूरी तरह से एक फ्लक्स सिचुएशन में था, अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में था, क्योंकि फ्रेंच जो लोग थे वह इस लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं करते थे, और उनमें जितने भी एलिट यानी उच्च वर्ग के लोग थे वो जो इस्तेमाल करते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। कोर्ट की लैंग्वेज फ्रेंच, गवर्नमेंट, एजुकेशन, सब लैंग्वेज फ्रेंच थी, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग करते थे। और धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश कैसे धीरे धीरे फ्रेंच लोगों पे भी यह लैंग्वेज छा गई, तो इसकी वजह से यह काफी समय लगा और फिर से ओल्ड इंग्लिश जो है वो डेवलप की मिडिल इंग्लिश में। दस मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500। इसी प्रकार मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है यह एक्सेप्ट किया जाता है 1150 से 1500 एडी तक। एट इच एंड देयर इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन व्हेन द लैंग्वेज सीम्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। एट इच एंड यानी हर एंड पे, किसी भी पीरियड का जब एंड होता है तो ट्रांजिशन पीरियड होता है। और ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, तो ये जो पीरियड होता है इसे ट्रांजिशन हम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ ओल्ड इंग्लिश जब खत्म हुई और मिडिल इंग्लिश जब शुरू हुआ तो एक ट्रांजिशन पीरियड था, और इस ट्रांजिशन पीरियड में जो यह लैंग्वेज ऐसा लगता था कि बिल्कुल फ्लक्स कंडीशन में, यानी अनसर्टेन कंडीशन में है, फ्लक्चुएट कंडीशन में है, इधर से उधर करना, डैट मीन्स फ्लक्स। टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स डिस्टिंग्विश मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश। दो जो है मेन इवेंट्स, घटना जो है ये मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को अलग करते हैं। वो क्या है? दीज आर, पहला जो है ए है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है इससे काफी फायदा पहुंचा, जो 1476 में कैक्सटन के द्वारा जो इन्वेंट किया गया। पहले क्या होते थे कि किसी भी लिटरेचर को अगर लिखना होता था या कोई दूसरा भी उसे पढ़ना चाहता हो, लेना चाहता हो, तो उस कंडीशन में उसे हाथ से लिखा जाता था जिसमें काफी समय लगता था, तो ये किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ तो उस वक्त जो है एक समय में ज्यादा से ज्यादा जो है बुक्स या लिटरेचर या लैंग्वेज ये प्रिंट हो सकती थी, तो यह काफी हेल्पफुल था जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ। सेकेंड, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा था। ग्रेट वोवेल शिफ्ट जब जो है बहुत से, यानी लॉन्ग वोवेल जो है वो करीबन चेंज हो गए शॉर्ट वोवेल्स में, और कुछ कंसोनेंट भी चेंज हुए, और यह जो है 14th सेंचुरी के करीब में हुआ, तो ये जो चेंजेस हैं इसी चेंजेस को हम ग्रेट वोवेल शिफ्ट कहते हैं। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू
थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज जो है यह बिल्कुल मुश्किल है यह ख्याल करना भी, यह सोचना भी कि एक वर्ल्ड, एक विश्व जो होगा बिना प्रिंटिंग प्रेस के रह सकता है। यानी प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि बुक के जो हैं हम आदि हैं और बुक को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत है। तो इसको अगर हटा दिया जाए तो डैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, हर किसी के पास जो है बुक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन एट वेस्ट मिनिस्टर एबे इंग्लैंड इन एडी 1476 हैड प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये सेटअप किया गया, स्थापित किया गया विलियम कैक्सटन के द्वारा, कहाँ पे, वेस्ट मिनिस्टर एबे जो इंग्लैंड में है, और ये 1476 में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के डेवलपमेंट में इसने किया, बिकॉज इट हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, क्योंकि यह लैंग्वेज को जो है एक स्टैंडर्ड दिया। स्टैंडर्ड कहने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि ये पहले जो है डायलैक्ट, ये डायलैक्ट वहाँ के डायलैक्ट अलग थे, यहाँ के डायलैक्ट अलग थे, लेकिन जब कोई भी बुक प्रिंट होने लगी तो जिस वर्ड का इस्तेमाल होता था तो वह वर्ड जो है एक स्टैंडर्ड की तरह जो है मानक की तरह बन जाता था, जिसकी वजह से अगली बार भी जो पढ़ने वाले होते थे अगर वो कुछ लिखते तो उस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते। तो इस तरह जो है एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है बनना शुरू हुआ। वाइल मिडिल इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल, जबकि मिडिल इंग्लिश डायलेक्टिकल ही था, मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश से जब मॉडर्न इंग्लिश में स्विच करता है तब यह जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाता है। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज दो इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटी, जबकि इंग्लिश के भी बहुत से रीजनल क्षेत्रीय वेराइटीज़ हैं और इंटरनेशनल भी वेराइटीज़ हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश हो गए, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, हर जगह की इंग्लिश के एक अलग अलग वेराइटीज़ हैं, फिर भी इंग्लिश जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ओके, द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नोन एज द ग्रेट वॉवल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन प्रोनंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवल। दूसरा जो सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज हुआ, यानी लैंग्वेज में जो चेंज हुआ उसे हम ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं। इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनंसिएशन, इंग्लिश के जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं उनमें काफ़ी जो है वो चेंजेस हो गए, और यह चेंजेस जो है 1400 AD एंड वर फुल्ली एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड, और पूरी तरह से स्थापित हो गए मिडिल पीरियड तक के अंत तक। दिज फोनोलॉजिकल चेंजेस आर सीन एज द लास्ट बैरियर बिटवीन द इंग्लिश ऑफ द अर्ली टाइम एंड डैट ऑफ द नाउ। और यह जो फोनोलॉजिकल चेंज हुए, फोनोलॉजी डैट मीन्स रिलेटेड टू साउंड, डैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजिकल जो चेंजेस हुए यह जो है सबसे लास्ट बाधा थी इंग्लिश अर्लियर टाइम्स में, क्योंकि अक्सर चेंज होते रहते थे, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड जो है लैंग्वेज की तरह वह बनी, तो अब यह चेंजेस नहीं हुए। ओके, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे स्ट्राइकिंग विशेष या अट्रैक्टिंग जो फीचर्स था, गुण था ऑफ मिडिल इंग्लिश का, वॉज द फैक्ट दैट द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स थे वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी एग्जिस्टेड हैं, जीवित हैं, किस चीज़ में, स्पोकन में भी एज वेल एज रिटन फॉर्म, दोनों फॉर्म में यह जीवित हैं। देयर वॉज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड, हालांकि कोई भी एक सिंगल जो है लिटरेरी स्टैंडर्ड नहीं था, फिर भी एंड द लैंग्वेज वेरिड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है लैंग्वेज ये वेरिड करती थी। फर्दर आगे, ओल्ड इंग्लिश हैड फोर डायलेक्ट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ओल्ड इंग्लिश में जो है चार डायलेक्ट्स होती हैं, और वो कौन कौन से डायलेक्ट थी, नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन और वेस्ट सैक्सन और कैंटिस, ये चार डायलेक्ट। और ये चार डायलेक्ट जो हैं, अब ये चार डायलेक्ट मिडिल इंग्लिश में एक डायलेक्ट और बढ़ जाता है, यानी पांच डायलेक्ट हो जाते हैं। और वो डायलेक्ट्स हैं, दे वर नोन एज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। और ये जो पांच हैं इसमें एक नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस, ये पाँच।
ओनली द लास्ट रिमेन अनचेंज्ड, इनमें से सिर्फ जो कैंटिस था, कैंटिस पहले भी था कैंटिस अभी भी है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। नॉर्थम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न, जो पहले नॉर्थम्ब्रियन कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, उसे अब नॉर्दर्न कहा जाने लगा। और वेस्ट सेक्शन इज नाउ साउदर्न, और वेस्ट सेक्शन को साउदर्न कहा जाने लगा डायलेक्ट। और मर्सियन जो है डिवाइडेड इंटू टू डायलेक्ट्स, मर्सियन दो डायलेक्ट्स में डिवाइड हुई, जिनमें से एक जो था वो ईस्ट मिडलैंड और दूसरा वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। और इसी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से जो है इंग्लिश डेवलप हुई। ओके, चौसर के हाथ से, जेफरी चौसर के हाथ से। आगे थोड़ी सी डिटेल्स इसमें और आएगी। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, मॉडर्न इंग्लिश जो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से जो है वो आगे बढ़ी, ओके, इवॉल्व की। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टुगेदर विद जियोग्राफिकल कंसिडरेशन लेड टू अ सिचुएशन वेयर द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू द पीपल ऑफ दिस एज। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी भौगोलिक जो है कंसिडरेशन यानी विचार हैं, जो इस सिचुएशन तक ले गई कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट डायलेक्ट भी रहा और सबसे यूजफुल भी रहा इस एज के लोगों के बीच। मिडिल इंग्लिश वोकेबुलरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड वॉज द लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर द लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट अगर लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट यानी लैंग्वेज के ऊपर जो प्रभाव रहा वो फ्रेंच रूल का, यानी फ्रांस के लोग जो यहाँ पे शासन किए, जो नॉर्मन्स थे 1066 AD में जिन्होंने इन्वेड किया था, वॉज द लार्ज नंबर, और बहुत से फ्रेंच वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज के अंदर इंटर कर चुके, प्रवेश कर लिए। और मेनी ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस, और बहुत से जो वर्ड्स थे यह डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब गौरव कह सकते हैं, एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस, ऑनर सम्मान, रॉयल ऑफिस शाही ऑफिस में। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर रॉयलिटी, इनमें से कुछ वर्ड्स जैसे रॉयलिटी हैं, रेलम है, रेलम का मतलब शासन क्षेत्र, और होमेज श्रद्धांजलि को बोलते हैं, या किसी के द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी के लिए कुछ कहना, ये भी एक होमेज होता है। और प्रिंस, प्रिंसेज, ड्यूक एंड डचेज, ड्यूक नोबल मैन को कहते हैं और डचेज नोबल वुमन को, या ड्यूक की पत्नी को, या ड्यूक का अधिकार रखने वाली जो महिला है उसे हम डचेज कहते हैं। पैलेस, पैलेस जो है महल, कैसल किला, हॉल एंड सोवरेन, सोवरेन का मतलब शासक भी होता है, और ऐसा देश जो किसी के अधीन ना हो, आज़ाद देश, स्वतंत्र देश, उसे भी हम सोवरेन कहते हैं। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे था, लेकिन यह बहुत सिग्निफिकेंट था 13th और 14th सेंचुरी में। यहाँ एक बार मैं और ये बता दूं कि 13th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1200 से लेकर, 14th सेंचुरी का मतलब हुआ 1300 से शुरू जो होगा वो 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी जो 1400 से शुरू होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वर ब्राउट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में एक अनुमान के अनुसार 10,000 जो है नए शब्द जो है वह फ्रेंच से इंग्लिश में आए। आउट ऑफ दिज ऑलमोस्ट 75% आर यूज इन टूल्स, उनमें से 75% ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। दिज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉ, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड फैशन, इनमें से जो वर्ड्स हैं वो लॉ से संबंधित हैं, लिटरेचर से संबंधित हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित है, शासन संबंधी जो है, और रिलीजन धर्म, फैशन से संबंधित है। अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वॉज डैट ऑफ लैटिन, इसके अलावा जो मिडिल इंग्लिश पे और भी किसी का डोमिनेंस रहा, अधिकार रहा, तो वो लैटिन लैंग्वेज। हालांकि लैटिन लैंग्वेज बहुत पहले भी ओल्ड इंग्लिश पे इसका डोमिनेंस रहा, मिडिल इंग्लिश में भी ये डोमिनेंट की,
सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन केम डायरेक्टली, कुछ वर्ड्स जो है लैटिन से डायरेक्टली आ गए, बट सम इंटर थ्रू फ्रेंच, लेकिन कुछ वर्ड्स जो है सबसे पहले फ्रेंच में गई और फ्रेंच से, एंड वर्ड रिलेटेड टू साइंस, और फ्रेंच से गई और फिर फ्रेंच से जो है वो इंग्लिश में आई, और वो वर्ड्स जो थी वो साइंस, मेडिसिन, लॉ एंड लिटरेचर से रिलेटेड थे. सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स आर, इनमें से कुछ जो वर्ड्स जो लिए गए हैं, हिस्ट्री, इंडेक्स, सूची को बोलते हैं, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई एंड प्राइवेट. यहाँ पे इंडेक्स, सूची, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, समझ, समझदारी, और लीगल जो वैध हो, मैग्नीफाई किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, पिक्चर, जीनियस, समरी, सारांश, सब्स्टिट्यूट किसी दूसरे के बदले इस्तेमाल होना, और प्राइवेट, प्राइवेट को कहते हैं, ठीक है, निजी को कहते हैं. मिडिल इंग्लिश ग्रामर, मिडिल इंग्लिश ग्रामर जो है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है पूरी तरह से यह गवाही देता है या विटनेस है एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज, बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही बेसिक जो चेंजेस हैं वो फोनोलॉजिकल यानी आवाज़ साउंड के अंदर और ग्रामेटिकल सिस्टम इंग्लिश के अंदर जो है इसमें हुई हैं. द चेंजेज इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस इंग्लिश फ्रॉम अ हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू एन एनालिटिक वन. और ये जो ग्रामेटिकल सिस्टम के चेंजेज हैं यह कम कर दिए हैं, कर दिए गए हैं. पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी वो हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी. इन्फ्लेक्टेड का मतलब ये होता है, हमने ऑलरेडी बात भी की है इन्फ्लेक्टिव, इन्फ्लेक्टेड पे. इन्फ्लेक्टेड कहते हैं कोई भी वर्ड्स जो है, जैसे ओल्ड इंग्लिश में क्या होते थे, सिर्फ नाउन ही चेंज नहीं होते थे. जैसे नाउन का अगर जेंडर चेंज करना हो या नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे, या नाउन का केस बनाना हो तो नाउन सिर्फ चेंज नाउन हम कर देते हैं. जैसे आज हम क्या करते हैं, नाउन में चेंजेस कर देते हैं. वह उस वक्त प्रोनाउन भी चेंज होते थे, प्रोनाउन भी चेंज होते थे, एडजेक्टिव भी चेंज हो रहे हैं, एडवर्ब भी चेंज हो रहे हैं, वर्ब भी चेंज हो रहे थे. ये सारे इन्फ्लेक्टेड हो गए यानी चेंज होते रहना, होते रहना. तो ये जो है एनालिटिकल नहीं था, इसमें कन्फ्यूजन थी कि कौन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, और बहुत तरह से जो है ये चेंजेस होते थे. तो अब जो है ये इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज जो है ये उस चीज़ को हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जिससे है यह एनालिटिकल लैंग्वेज हो गया. आप एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ ये नाउन में हमने ये चेंज किया या इस चीज़ में हमने ये चेंज किया. ओके, ड्यू टू सर्टेन फोनेटिक चेंज इन द लैंग्वेज, कुछ सर्टेन जो है फोनेटिक चेंजेस हुए लैंग्वेज में. द वर्ड्स एंडिंग डेट सर्व्ड एज अ मार्कर्स ऑफ नंबर, जेंडर, केस एंड टेंस वर सो ऑल्टर्ड इन देयर प्रोनाउंसिएशन एज टू लूज देयर डिस्टिंक्टिव फॉर्म. इसमें जो कुछ चेंजेस हुए प्रोनाउंसिएशन में, नंबर, जेंडर, केस और टेंस में, और इनके प्रोनाउंसिएशन ऑल्टर मीन्स बदलना, कुछ ऐसे बदले कि अपने जो डिस्टिंक्टिव फॉर्म थे, विशिष्ट जो फॉर्म थे, स्पेशल जो विशेष जो फॉर्म थे, वह पूरी तरह से ये जो है उसको खो चुके. एंड देयर फॉर देयर यूजफुलनेस, और उसके बाद जो है उनके जो भी उपयोग नहीं होते थे वो सारी चीज़ें जो वो हट गई इस लैंग्वेज से. ओके, ऑल बट अ फ्यू ओल्ड इंग्लिश नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव endings died and grammatical relation begin to be indicated by a fixed pattern of words order. All but a few old English noun, यानी सभी जो चेंज हुए, लेकिन कुछ जो है ओल्ड इंग्लिश नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव जो है वो endings died, उनकी जो लास्ट में जो चेंजेस होते थे, inflections जो होते थे वो खत्म हो गई. and grammatical relation begin to be indicated by fixed, और उनका जो word order जो हुआ है वह एक fixed pattern के साथ अब पहचाने पहचानी जाने लगी, indicate करने लगी. okay, ताकि वह confusion अब वह ख़त्म हो गया, inflection जो है ख़त्म हो चुका था. thus the gradual loss of inflection, धीरे धीरे जो है inflection का लॉस हुआ, ख़त्म हुआ. एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड्स ऑर्डर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में सबसे जो है इम्पोर्टेंट ये चेंजेस ये रहा. एन अदर मेजर फेनोमेनन, इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी घटना थी, टू हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इज नोन एज द ग्रेट वॉवल शिफ्ट, दूसरा जो था वो ग्रेट वॉवल शिफ्ट था.
और ग्रेट वॉल शिफ्ट क्या था? व्हेन वी कंपेयर द मिडिल एंड मॉडर्न कंसोनेंट सिस्टम वी फाइंड वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। जब मिडिल और मॉडर्न कंसोनेंट सिस्टम में हम कंपेयर करें, तुलना करते हैं, तो बहुत ही लिटिल डिफरेंस हमें मिलता है। बट द वॉवल सिस्टम आर वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर वॉवल सिस्टम की हम तुलना करें तो इसमें बहुत ही डिफरेंसेज हमको अंतर देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स द लॉन्ग वॉवल्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली बट द शॉर्ट वॉवल हैव रिमेंड ऑलमोस्ट द सेम। इसमें जो है लॉन्ग वॉवल्स बड़े पैमाने पे चेंज हुए, बहुत ही बड़े पैमाने पे चेंज हुआ, और शॉर्ट वॉवल जो है बिल्कुल वैसे ही सेम, करीबन सेम ही रहे। द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। और यही चेंज के सीरीज को जो है जिसने लॉन्ग वॉवल को अफेक्ट किया मिडिल इंग्लिश में, उसे हम ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं। अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पे हम आते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्वाइट एक्यूरेटली द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो है पूरी तरह से सही तरीके से वह इंग्लिश के फॉर्च्यून्स को चेंज कर दिया, इंग्लिश के भाग को बदल के रख दिया। और द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, इस फेज का जो अर्ली लिटरेचर था वो 1150 से 1215 AD इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। केवल जो है वो उनका नेचर जो था वो धर्म पे आधारित ही था। कब से कब तक? 1150 से 1215 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अपर क्लास मेनली पैट्रोनाइज फ्रेंच लिटरेचर एंड इंग्लिश राइटर कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रोनेज फ्रॉम देम। इस पीरियड में जो मेनली अपर क्लास थे वह फ्रेंच लिटरेचर को सपोर्ट करती थी, और इंग्लिश जो राइटर थे उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वह हमारी जो है वह सहायता करेंगे या सपोर्ट करेंगे। इट वॉज द चर्च, वह चर्च था, एंड देयर लीडर हु वेयर keen to spread the religion and so promoted native literature। और यह चर्च था और उसके जो नेता थे वो जो चाहते थे कि हमारा रिलीजन और हमारा नेटिव लिटरेचर जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे, ज़्यादा से ज़्यादा फैले। द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड, फर्स्ट फेज कब से कब? 1150 से 1215, एंड सेकेंड फेज 1215 से 1315 तक। डिस्प्ले अ टेंडेंसी टू वेराइटी एंड डायलेक्टिकल सब डिविजन। और जो सेकेंड फेज जो इस पीरियड का था, जो 1250 से 1350 तक था, डिस्प्ले अ टेंडेंसी, उसने डिस्प्ले किया, प्रदर्शित किया चेंज होने की टेंडेंसी को, और यह जो है डायलेक्टिकल वेराइटीज में मिले और सब डिवीजन में। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि यह जो है इसमें जो क्षमता थी वह डायलेक्ट भी मिला, सिर्फ वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिटरेचर नहीं मिले, वो डायलेक्ट में, कुछ मिडिल इंग्लिश में लिखे गए, कुछ ईस्ट मिडलैंड में लिखे गए, कुछ ईस्ट मिडलैंड में लिखे गए, कुछ वेस्ट मिडलैंड में लिखे गए, ऐसे सारे डायलेक्ट जो हैं उनके डिवीजन और सब डिवीजन में वर्क जो है देखने को मिले। इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटिंग देर आर ऑल्सो सम सेक्युलर वर्क। इन रिलीजियस राइटिंग के अलावा कुछ ऐसे वर्क्स भी मिले जो सेक्युलर थे, यानी धार्मिक नहीं थे, धार्मिक से हटकर थे। मेनी ऑफ दिज वर ट्रांसलेशन ऑफ पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेज। इनमें से बहुत ऐसे जो थे वो ट्रांसलेशन थे फ्रेंच रोमांसेज के, लोकप्रिय फ्रेंच रोमांसेज के। तो रोमांस जो होता है वो भी एक स्टोरी होता है जिसमें सेम सेम आप कह सकते हैं कि एडवेंचर होता है, एक एडवेंचर ऑफ सीरीज होता है, यानी साहस का काम होता है, वो भी एक रोमांस होता है। ओके, तो इसमें ले ऑफ हेबलॉक द डेन, यह जो है मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया, यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। दिस पोएम शोज क्लियरली डट द ओल्ड इन्फ्लेक्शन आर ऑल गोन। यह बताता है कि जितने भी पुराने इन्फ्लेक्शन थे, जो वर्ड्स के ग्रामेटिकल जो चेंजेस थे, वो सारे ख़त्म हो चुके थे, एंड द वोकेबुलरी, और जो जो वोकेबुलरी थी वह पूरी तरह से अनमिक्स्ड विथ फ्रेंच, फ्रेंच के साथ मिल चुके थे, क्योंकि फ्रेंच वर्ड का भी इसमें इस्तेमाल हुआ था। टू अदर वर्क ऑफ दिस पीरियड विच कंटेन अ हाई proportion of French words are the Romaunt of the Rose written by Geoffrey Chaucer and Romance of King Alexander। इसमें से जो two other works of this period, इस period के दो और बड़े बड़े जो work थे
अदर वर्क्स, दूसरे जो वर्क थे वह भी जो है फ्रेंच के बहुत से वर्ड का अंश लिए हुए थे, जिसमें जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया द रोमेंट ऑफ द रोज और दूसरा वर्क रोमांस ऑफ किंग था, रोमांस ऑफ एलेक्जेंडर था, द सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी, दूसरा जो है 14th सेंचुरी का सेकेंड हाफ यानी 1340 से 1400, इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। इस वक्त जो है अब व्यक्तिगत राइटर आने शुरू हो गए और दिस फेज इज ऑल्सो रेफर टू द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश, और इस पीरियड को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। द नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो मेन राइटर जो थे वो चौसा, जॉन गावा, विलियम लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ थे। द फॉलोइंग आर द वेल नोन वर्क्स ऑफ दिस राइटर्स हु हैव मेड दिस एन आउटस्टैंडिंग एज। ये जितने राइटर थे इस एज को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। ओके, वेल नोन वर्क्स ऑफ दिज राइटर, इन राइटर के जो वेल नोन वर्क्स थे जैसे चौसर का द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स है, इसके अलावा द बुक ऑफ डचेज है, द हाउस ऑफ फेम है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है, एक और वर्क है द गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। ओके, तो ये सारी जो है ये जेफरी चौसर, और जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश भी, मॉडर्न इंग्लिश भी कहा जाता है। ओके, और इसके बाद जॉन गावर है, जॉन गावर का जो है मेडिटेंटिस, एक्चुअली इसका पूरा नाम है स्पेकुलम मेडिटेंटिस और यह जो है फ्रेंच में लिखी गई है। दूसरा वर्क इनका जो है वॉक्स क्लेमेंटिस या लैटिन में लिखी गई है, और तीसरा वर्क कॉन्फेसियो एमेंटिस या ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, सॉरी यह इंग्लिश में लिखी गई है, और यह करीबन 33,000 लाइन इसके अंदर है। और लैंगलैंड का पियर्स द प्लोमैन, विक्लीफ का बाइबल ट्रांसलेशन है। टू अदर ग्रेट वर्क ऑफ दिस पीरियड आर बाई अननोन ऑथर, बट दिस इन नो वे डिमिनिशेज देयर इंपॉर्टेंस। दो और बड़े बड़े वर्क जो इस पीरियड के हैं जो ऑथर का नाम जो है क्लियर नहीं है, लेकिन यह इसके इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता है, और दीज आर द पर्ल, वो वर्क जो है द पर्ल है, और सर गोवेन एंड द ग्रीन नाइट वर्क है। द लेटर इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इसमें जो बाद वाला यानी सर गोवेन एंड द ग्रीन नाइट, यह जो है ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्री का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इसे कंसिडर किया जाता है। द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पिनेकल ऑफ पोएटिक अचीवमेंट आर द वर्क ऑफ चौसर, विच प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिवल लाइफ एंड टाइम। इसमें जो है सबसे पोएटिक शिखर पे जिसके वर्क को हम कह सकते हैं वो चौसर हैं, क्योंकि चौसर के वर्क से हमें मिडिल टाइम के पूरे इंफॉर्मेशन और मिडिवल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। दस चौसर वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए चौसर का जो वर्क है वह मेजर सोर्स है, साधन है इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की जानकारी मिलती है। तो यह जो हमारा चैप्टर था मिडिल इंग्लिश, इसे हमने अभी ख़त्म किया। फिर आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।